आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। लॉकडाउन के बहाने बढ़ी रसोई गैस की कालाबाजारी, लोग परेशान, लगा रहे गुहार। दूसरी खबर, संकट की घड़ी में सेवा कार्य में जुटे कर्मियों का सीएम हेमंत ने जताया आभार। तीसरी खबर, दुमका में 10 लाख का इनामी नक्सली तालादा, मुठभेड़ में ढेर। चौथी खबर, कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष ने पीएम और सीएम कोष में की आर्थिक मदद। पांचवी खबर, मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने की 1 लाख की मदद। छठी खबर, फिलहाल झारखंड की जेलों से नहीं छूटेंगे कैदी। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। रांची समेत पूरे झारखंड में लॉकडाउन के दौरान सामानों की कालाबाजारी बढ़ गई है। इसके साथ ही रसोई गैस की कालाबाजारी भी जोरों पर है। आम लोग इससे त्रस्त हैं। कई ने सीएम हेमंत सोरेन से इसकी गुहार लगाई है। लोगों ने भरियातू के एसके गैस एजेंसी और सेक्टर 2 के फोंट गैस एजेंसी के बारे में शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि यहां 855 का रसोई गैस सिलेंडर 1100 रुपए में दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, होम डिलीवरी ना कर लोगों को विवश किया जा रहा है कि वे इस लॉकडाउन में गैस गोदाम पहुंचकर गैस ले। कुकर में अदिति गैस एजेंसी के बारे में भी होम डिलीवरी नहीं करने की शिकायत मिली है। सोशल डिस्टेंसिंग पर लगातार जोर दिया जा रहा है, लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में ये गैस एजेंसियां लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए मामले की जांच की। जब यह बात जिला प्रशासन तक पहुंची तो एक टीम बनाकर इसकी जाँच कराई गयी। जाँच में इसकी पुष्टि हुई है कि दोनों गैस एजेंसियां गैस सिलेंडर की अधिक कीमत वसूल रही हैं। बता दें कि पेट्रोलियम कंपनियों के गाइडलाइन में स्पष्ट है कि अगर उनका डिस्ट्रीब्यूटर तय दर से ज्यादा एलपीजी की कीमत वसूलता है और शिकायत के बाद यह बात प्रमाणित हो जाती है तो उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संकट की घड़ी में सेवा कार्य में जुटे सभी सरकारी कर्मियों का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, यह संक्रमण का काल है। लॉकडाउन होने के बावजूद हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, नगर निगम, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और पुलिस समेत अन्य विभागों के कर्मचारी इन विपरीत परिस्थितियों में भी जी जान से काम कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं और फर्ज निभा रहे हैं। भले ही यह उनकी ड्यूटी हो, पर इस समय यह ड्यूटी उनकी वास्तविक छवि बताती है। अपने साहसिक कदम से वे इन चुनौतियों से निपटने में हमारा सहारा बने हैं। उम्मीद है कि हम सब मिलकर इस जंग में विजयी रहेंगे। आज पूरा देश और हमारा ये झारखंड प्रदेश लॉकडाउन में है। आज इस लॉकडाउन में जो भी कर्मचारी पदाधिकारी शामिल हैं, चाहे स्वास्थ्यकर्मी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे खाद्य आपूर्ति विभाग के लोग हों, चाहे और भी लोग इसमें हमारे कर्मचारी लगे हों, उन सभी कर्मचारियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इस संक्रमण के समय में जो लोग अपनी सरकारी कामों के माध्यम से सरकार की एक अभिन्न अंग के रूप में ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्रों तक में सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। और यही घड़ी है, आपदा की घड़ी में सरकारी व्यवस्था, सरकारी कर्मचारियों की वास्तविक छवि दिखती है और मुझे उम्मीद और पूरा विश्वास है कि हमारे राज्य के कर्मचारी आज इस आपदा की घड़ी में अपनी इस साहसिक कदम को दिखाएंगे। आज इस आपदा की घड़ी में कितना हम अधिक से अधिक आम नागरिकों को सुविधा उपलब्ध करा पाएं, दवा से लेकर भोजन तक उपलब्ध करा पाएं, उनको भी सुरक्षित रखें, खुद भी सुरक्षित रखें और राज्य को भी सुरक्षित रखें। आज इस योगदान के लिए आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। झारखंड की उपराजधानी दुमका से करीब 43 किलोमीटर दूर शिकारीपाड़ा में झारखंड पुलिस और एसएसबी के जवानों ने 10 लाख रुपए के इनामी दुर्दांत नक्सली सहदेव राय उर्फ ताला दा को मार गिराया है। जिस जगह मुठभेड़ हुई वहां से पुलिस को एक इंसास और एक AK-47 राइफल मिले हैं। SP YS रमेश ने बताया कि कई जगहों पर खून के धब्बे मिले हैं।
उसकी जांच की जा रही है। सर्च ऑपरेशन जारी है। कुछ नक्सलियों के घायल होने का भी अनुमान है। एसपी ने बताया कि संथाल परगना क्षेत्र में भाकपा माओवादी का सबसे बड़ा नेता तालादा कांठीकुड़ के बड़ा सरुआ पानी का रहने वाला था। उसके पिता बद्री ने ही क्षेत्र में नक्सलवाद की शुरुआत की। उसका भाई रामलाल राय जेल में बंद है। रामलाल के जेल जाने के बाद ताला नक्सली गतिविधियों में शामिल हुआ था। तालादा के खात्मे को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा की गई अपील पर अमल करते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष में 10,000 रुपए का आर्थिक सहयोग किया। उन्होंने एक दिन पहले भी ऐसा ही एक छोटा प्रयास कर 5,000 रुपए का आर्थिक सहयोग प्रधानमंत्री राहत कोष में देकर किया था। राजेश ठाकुर ने झारखंड के संपन्न लोगों एवं उद्योगपतियों से अपील की है कि इस विपदा की घड़ी में जितना आर्थिक सहयोग संभव हो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को किया जाना चाहिए। ऐसे वक्त में जब लोगों को घरों से बाहर निकलने पर रोक हो तो किसी भी राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसे में सभी लोगों को खुले मन से आर्थिक सहयोग करना चाहिए। कोरोना जैसी बीमारी को रोकने के लिए घर के आसपास जो लोग भूखे दिखाई दें उन्हें मदद करना चाहिए और ना कि भीड़ लगाकर बीमारी को बढ़ाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने मदद मांगी है उस तक मदद पहुंची है या नहीं। अब नजर डालते हैं आज की पांचवी प्रमुख खबर पर। राज्य के जल संसाधन मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी सीएम हेमंत सोरेन की अपील पर कोरोना की जंग के लिए 1,00,000 रुपए की मदद की है। उन्होंने यह मदद निजी तौर पर की है। मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि जमा कराए जाने की सूचना देते हुए मंत्री ने कहा कि यह आपदा की स्थिति है, हम सबको मिलकर इस चुनौती का सामना करना है। साथ ही उन्होंने राज्य के व्यवसायी और उद्यमियों से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री की अपील पर गंभीरता दिखाते हुए वे भी आगे आए क्योंकि यह जंग बड़ी है। अब नजर डालते हैं आज की छठी प्रमुख खबर पर। राज्य की जेलों में बंद कैदियों को विशेष केस में असमय कारामुक्ति, पेरोल या अग्रिम जमानत का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य की उच्च स्तरीय कमेटी ने यह निर्णय लिया है। कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति HC मिश्रा हैं, जबकि सदस्यों में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह एवं कारा महानिरीक्षक शशि रंजन हैं। गुरुवार को इस कमेटी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बैठक में यह बात सामने आई कि राज्य में COVID-19 का अब तक एक भी मामला सामने नहीं आया है। राज्य में लॉकडाउन है, लोगों की आवाजाही बंद है, इसलिए फिलहाल बंदियों को छोड़ने के मसले पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। वर्तमान में राज्य के 7 केंद्रीय कारा, 15 मंडल कारा, 6 उप कारा एवं एक ओपन जेल में 18,227 कैदी हैं। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।